आज मैं अपना क्षत्रिय धर्म तुम्हारे चरणों में रखता हूं। तुमने मुझे सही पहचान लिया था और मैं अहंकार के बदले चूर न कभी स्वयं को समझ सका और न ही तुम्हारी बातों को। सदा सर्वदा अपने आप को उच्च कर और तुम्हें निम्न का समझता रहा, किंतु आज मुझे समझ आ गया कि मेरी बातें कितनी निरर्थक कितनी खोखली थी। देखो सिद्धार्थ, देखो बुद्ध, ये देवदत्त आज फिर से तुमसे अचेत हो गए। जब तुम यहां सच्चे मन से आए हो तो जय पराजय का भाव तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हुआ? क्षमा कर दो मुझे, टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं मैं। यही बात महत्वपूर्ण है देवदत्त, और इस पीड़ा से मुक्ति की चाह तुम्हारे अंतर में परम शांति का द्वार खोलेगी। तो क्या मेरे जैसे माया में फंसे व्यक्ति का पवित्र होना संभव है? पवित्र और अपवित्र तो स्वयं तुम पर निर्भर है देवदत्त। आज तक ना तो कोई किसी को पवित्र कर पाया है और ना ही कर सकेगा। हे बुद्ध, क्या मेरे पुराने सभी कृत्य भूल कर आप मुझे अपने संग में स्थान देंगे? भले या बुरे, मुझे तुम्हारे कोई कृत्य स्मरण नहीं देवदत्त, और तुम भी उन्हें भूल जाओ। जिस दिन तुम्हारे अंतर में बदलने का भाव आया उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो गई थी। कल प्रातः आनंद तुम्हें दीक्षा देंगे। अब तुम्हारा हसन डोलेगा बुद्ध, मेरा सब कुछ छीना है तुमने, और अब तुम्हारा नेक नाम छीनूंगा मैं। मैं धर्म संकट में हूं, करूं तो क्या करूं? अपनी प्रेम की आहुति देश के लिए चढ़ा दूं या देश के लिए अपनी प्रेम की बलि चढ़ा दूं? अगर जीवक ना होता तो देश के लिए अपने प्रेम की बलिदान दे देती। मैं मां भी हूं, मुझे जीवक का भी सोचना है। उसका सोचूं तो लगता है अजात शत्रु से विवाह कर लेना चाहिए। जीवक के भविष्य में मगध का सिंहासन होगा। जीवक का बालक नहीं है देवी, वो क्यों अजात शत्रु को अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगा? क्या वो आपकी बलि देकर मगध के सिंहासन पर बैठेगा या फिर बुद्ध के मार्ग पर चलेगा? हर दिशा में अनेकों प्रश्न है, अब जो भी निर्णय लेगा जीवक ही लेगा। अजात शत्रु को रुकना होगा। ओम भगवते भिक्षां देहि। आप आइए। आपसे इतनी शीघ्र भेंट होगी ये हमने सोचा ना था। मैं भिक्षु बन के संग में सम्मिलित हो गया हूँ मल्लिका। आपको संग में प्रवेश दे दिया? इस दुनिया में दयालु लोग कभी कभी अपनी बड़ी हानि कर बैठते हैं। बहरहाल तुम पे मेरा एक ऋण है, और अब समय आ गया है कि तुम अपना वो ऋण चुकाओ मल्लिका। आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, उसका ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगी।
हे ईश्वर, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए अब मैं तेरा संसार त्यागने जा रही हूँ। क्यों बचाया मुझे? क्योंकि आत्महत्या काय करते हैं। जिसने तुम्हें विवश किया इस कुएं में स्वयं को धकेलने के लिए, प्रतिशोध लो उससे। मैं उससे प्रतिशोध नहीं ले सकती, बहुत बड़ा मनुष्य है वो। स्त्री होके पुरुष को वश में नहीं कर सकती। उस पर कोई वशीकरण काम नहीं करता है। वो महात्मा है। कौन है वो? बुद्ध। बुद्ध? क्या किया है बुद्ध ने तुम्हारे साथ? हे सुखी, संसार को आग में झोंक दिया उसने। मेरा पति जो मुझ पर प्राण निछावर करता था, उसके प्रभाव में आकर घर गृहस्थी मुझे छोड़कर एक भिक्षुक बन गया और जीते जी मार दिया है मुझे। पर तुम तो सुंदर हो, चाहो तो कोई और पुरुष तुम्हारा हाथ थाम सकता है। नहीं, एक नारी के नारित्व का अपमान कर गया है वो। पूरे गांव में मुझे कलंकित कर दिया है। सब सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई दोष है। अगर मैं जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ। जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार विध्वंस करके रखा, चैन से जिएगा? हाँ, एक निर्धन निर्बल स्त्री और कर भी क्या सकती हूँ। अरे स्त्री अगर चाहे तो लोहे को भी पिघला सकती हो। तुम काया हो? काया नहीं हूँ मैं। प्रतिशोध लेने की हिम्मत है तुम्हें? हाँ है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। मार्ग मैं दिखाऊंगा, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। बुद्ध से कैसे प्रतिशोध लेना है, आप बस मुझे इतना बताइए। प्रतिशोध तो ऐसा होगा मान्यता, कि बुद्ध स्वयं आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा, उसके भिक्षु उसे गालियां देंगे। प्रतिशोध तो ऐसा होगा कि तुम्हारा अपना पति तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगेगा। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। त्रिया चरित्र के आगे तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए, अब देखना मैं क्या करती हूं। अपने हाथ से खिलाऊंगी तो खाओगे ना? माँ बनने में कितनी विडम्बना है। अपने शिशु के लिए हर क्षण उचित और अनुचित के बीच चुनाव करना होता है। अपने पुत्र के लिए निर्णय करना सर्वथा कठिन होता है। पता नहीं फल अच्छा हो या बुरा। यदु ने मुझे सारी बातों से पहले अवगत कर दिया है। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। इस बार मैं जीवन के दो रास्तों में हूँ। यदि मैं मगध की महारानी बनती हूँ तो भविष्य में तुम्हें मगध की राजगद्दी मिल सकती है। और वैशाली में देशद्रोही होने का कलंक आप जीवन भर उठाएंगी। आप अपने पुत्र के लिए अजात शत्रु पर भरोसा कर रही हैं। वो अजात शत्रु जिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अचीवक, तुम्हारा भविष्य। जो भविष्य अनिश्चित है उसके लिए मैं अपनी माँ को उनका वर्तमान बिगाड़ने दूं? तुम्हारे उत्तम विचार। ये मेरे विचार नहीं है माँ, ये उनके विचार हैं जिन्होंने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। माँ, मैं राजा बनना नहीं चाहता। जीवक, सुख से भंडार खोलेंगे परंतु दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ, ऐसा कौन सा राजा है जो दुखों से मुक्त है? माँ, जिन्होंने मेरे दिशाहीन जीवन में नया मार्ग दिया हो, उद्देश्य दिया हो, मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। बुद्ध के? हाँ माँ, मैं बुद्ध के संग सम्मिलित होकर भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा वैद्य बनना सार्थक तो हो माँ। माँ, मुझे अनुमति नहीं देंगी बुद्ध की शरण में जाने के लिए? धन्य हुई मैं तो जैसा पुत्र पास जिसने बिना एक क्षण विचलित हुए राज गद्दी को ठुकरा कर बुद्ध का सेवक बनना चाह। उस सुपुत्र को मैं ना कैसे कह सकती हूँ। पर ये अश्रु क्यों? ममता के मुंह में आंखें भर आई। आपको सर्वथा मुझ पर गर्व रहेगा। मैं वचन देता हूँ, मैं आज अभी बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ।
संघ ने कई अंधेरे हृदयों में परम सत्य का दिया जला दिया है। एक सिंह गर्जना उठी है जिसने झूठे सिद्धांतों और संकीर्ण विचारों को हिला दिया है। सिंह को वन का राजा कहते हैं। जब वो अपनी गुफा से निकलता है तो अंगड़ाई ले चारों दिशाओं में देखता है और फिर एक गर्जना करता है और उसकी ध्वनि सुन पंछी उड़ने लगते हैं, मगरमच्छ पानी में चले जाते हैं, गजराज स्वयं उसकी ध्वनि से कंपित हो अपनी राह मोड़ लेते हैं। उसी प्रकार परम सत्य की गर्जना के समक्ष बुरे विचार अशुद्ध मनोवृत्तियां कंपित हो जाती हैं। अनित्यता, अद्वैत, परस्पर निर्भरता जब प्रबल वाणी से बोलते हैं तो जो अज्ञान के अंधकार में बैठे हैं उन्हें जागना होता है। मनुष्य स्वयं कह उठता है कि इतने वर्ष, इतने जन्मों हम अंधकार में कैसे जिए। अनित्य को नित्य समझा, खंड में स्वयं को तोड़, बाहरी संसार से स्वयं को अलग समझा, झूठ को सत्य समझा। अब समय आ गया है कि अज्ञान की इन दीवारों को ध्वस्त किया जाए। बुद्ध, इस सूत्रों को हम सेहा गर्जना कहेंगे। आपका परिचय? दोमुख। बंधु दोमुख, इस स्त्री के मन में बुद्ध के लिए कोई विशेष आदर है? हाँ, मैंने भी इसे पहले यहां देखा है, बुद्ध के पीछे पीछे जाते हुए। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। नहीं क्या, एक स्त्री का इस तरह हर बार बुद्ध के समक्ष आना, उसके निकट आना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं देवदत्त को, इन भावना से ग्रस्त है। आरंभ से ही सिद्धार्थ से हीनता का भाव पालता आया है। जो भी सिद्धार्थ का था उसको चाहिए था, पर आपने तो उसे कपिलवस्तु की राजगद्दी देने का आश्वासन दिया था। अब उसे राजगद्दी में वो राज कहां, अब तो उसे बुद्ध का आध्यात्मिक संपदा चाहिए। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? उन बुद्धि का है देवता, वो बुद्ध के साथ अवश्य कुछ ऐसा अनुचित करेगा जो इतने घटिया स्तर का हो। अब समझा मैं, आपने सोन दंड को यहां क्यों बुलवाया है? सोन दंड परम ज्ञानी पंडित हैं, उनका और बुद्ध का शास्त्रार्थ होगा, भगत की भरी सभा में होगा। ये राजनीति तो बहुत उत्तम है, परम ज्ञानी सोन दंड जी का पूरे मगध राज में डंका बजता है, उनके साथ शास्त्रार्थ में आज तक कोई जीत नहीं सका है। अवश्य ही बुद्ध की हार होगी, उसका प्रभाव कम होगा और मगध की प्रजा की आंखों से बुद्ध के आदर की पट्टी उतर जाएगी। प्रणाम महाराज। महाराज, सोनन जी आए हैं। महाराज, मैं घाघर सरोवर से आपके निमंत्रण पर आया हूं। किस कारण विशेष से आपने मुझे स्मरण किया है? मैं आपकी और उस बुद्ध की
आध्यात्मिक चर्चा करवाना चाहता हूं। निश्चित ही जिसके बाद मगध की प्रजा जान जाएगी कि बुद्ध सिर्फ नाम के ज्ञानी हैं, चोगी का चोला ओढ़े एक ढोंगी है तो अंदर से खोखले हैं। महाराज, यदि आपकी यही मंशा है तो मैं तैयार हूं। इससे मुझे और बुद्ध को अपने अपने ज्ञान की जानकारी हो जाएगी और साथ ही साथ प्रजा का भी लाभ होगा। सौंदन जी, प्रजा का लाभ बाद में, महाराज का लाभ पहले। इस चर्चा में हमें अपने ज्ञान की वृद्धि नहीं करनी है, अपितु उस बुद्ध को पराजित करना है, उसके व्यक्तित्व की धज्जियां उड़ा देनी है। मगध की लाज आपके हाथों में है सोनदन जी, आशा है आप हमारा शीश बुद्ध के सामने झुकने नहीं देंगे। ये तो मगध के सम्मान की बात है, ऐसा ही होगा। आप एक बार बुद्ध को मेरे सामने बिठाइए तो सही, फिर देखिए कैसे मैं वेद उपनिषद और दर्शन के सिद्धांतों में मैं उन्हें उलझाता हूं। कुलगुरु, आप बुद्ध को हमारा निमंत्रण भेजिए। जो आज्ञा महाराज। और आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। ये दाव आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बार, बस एक बार सोनदन बुद्ध को पराजित कर दे, उसके बाद मैं इन सभी भिक्षुओं को मगध की सीमा के बाहर फेंक दूंगा। सुनिए ये फूल बुद्ध को। बुद्ध, क्या अजात शत्रु के निमंत्रण पर मगध जाएंगे? अवश्य। सोनदंड में असामान्य ज्ञान है। जिस प्रकार दो नदियां बह एक दूसरे से मिलती है, उसी प्रकार ज्ञान की चर्चा में दो विचारधाराएं एक दूसरे से मिलेगी। मुक्ति का मार्ग ज्ञानियों को भी उपलब्ध होना चाहिए। सुधा, तुम्हारे मुख पर इतना भय क्यों? मार्ग में कोई कठिनाई हुई है? निर्भय होकर कहो। मैं भिक्षाटन लेकर आश्रम की ओर आ ही रही थी कि अचानक एक व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों का भाव देख मैं डर गई। फिर आपके वचन मुझे स्मरण हुए और मैंने तुरंत अपनी सांस को साधा ताकि मैं शांत और होशपूर्ण रह सकूं। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे, मैं बुद्ध की भिक्षुणी हूँ। जवान हो और सुंदर भी हो, ये गेरुआ वस्त्र पहनकर अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रही हो? इस सुंदर शरीर पर तो काशी में बुनी हुई रेशम के वस्त्र होने चाहिए। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे, मैं बुद्ध के पास जा रही हूँ। बुद्ध के पास क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शरीर सुख की अनुभूति करवाऊंगा। मेरा सुख मुक्ति और समाधि में है। कामनाएं केवल यातना देती है, यदि ये समझ सके तो कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे, मैं आपकी कृतज्ञ रहूं। कितने मादक है तुम्हारे ये नेत्र, ऐसे न जाने दूंगा। आपको मेरे नेत्र सुंदर लगे ठीक, मैं इन्हें नोच कर आपको दे देती हूँ। नेत्रहीन का जीवन आपके स्पर्श से कई अधिक अच्छा होगा। कदाचित आपको ये स्मरण नहीं कि कौशल, मगध, वैशाली और शाक्य देश के राजाओं का यह आदेश है कि जो कोई भी बुद्ध के भिक्षु या भिक्षुणियों को हानि पहुंचाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम अपने प्राण गंवाना चाहते हो? क्षमा कीजिए, दोबारा मैं किसी स्त्री के मार्ग में नहीं आऊंगा। बहन, आप जिस राह पर चल रही हैं उसी पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आज आपके बताए हुए मार्ग पर चल तो आज अपने शील ना बचा पाती।
यदि यह किसी और भिक्षुणी के साथ घटित हुआ तो? तुम्हारे साहस और अविचल भाव की मैं प्रशंसा करता हूँ। सदियों से पुरुष ने नारी को अपनी वासनाओं से उत्पीड़ित किया है, उसके अंधेपन और क्रूरता को रूपांतरित करने में कई सदियां बीत जाए, यही एक प्राथमिक कारण था कि मैं स्त्रियों को दीक्षा देने में संकोच करता रहा। आज से कोई भी भिक्षुणी एकांत में यात्रा नहीं करेगी और ना ही एकांत में सोएगी। उसके साथ सदैव एक और भिक्षुणी होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे का संरक्षण कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। आनंद, तुम सुधा के साथ आमरा वन जाकर वरिष्ठ भिक्षुणी को इन नियमों के बारे में समझाओ। सुनिए, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? मैं ये पुष्प बुद्ध को देना चाहती थी। मैंने इनको पुकारा भी था किंतु इन्होंने सुना ही नहीं। आप पिछले कई महीनों से बुद्ध के उपदेश सुनने आती हैं, हर दिन उनके दर्शन करती हैं, तो फिर आप भिक्षुणी क्यों नहीं बन जाती? मैं भिक्षुणियों के कठोर नियमों का पालन ना कर सकूंगी। जैसे आपकी इच्छा। यदि पुष्प आप भेंट करना चाहती हैं तो आप अंदर जा सकती हैं बुद्ध के पास। बुद्ध की कुटिया? बुद्ध की कुटिया कहाँ है ये मैं भली भांति जानती हूँ। ठीक है, आप जाइए। ये स्त्री बुद्ध की कुटिया की ओर क्यों जा रही है? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैंने तो इसे कई बार बुद्ध की कुटिया की ओर जाते देखा है। बुद्ध की कुटिया की ओर? आज तो भीषण विवाद होगा, देखते हैं कौन जीतता है। बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, आज सोनडन जीतेंगे। नहीं, बुद्ध अनुभवी बातें कहते हैं, सोनडन लिखी लिखाई। व्यर्थ की बात कर रहे हैं आप। मेरे हिसाब से सोनडन जी आज पूरे मगध का शीश ऊंचा करेंगे। सही बात है, बुद्ध तो जय पराजय के बहुत आगे हैं। महाराज अजात शत्रु पधार रहे हैं। उपस्थिति में वंदनीय बुद्ध और परम ज्ञानी सौंदंड का इस राजसभा में स्वागत करता हूं। आचार्य सौंदंड की जय। आचार्य सौंदंड की जय। सौंदंड की जय। ये दोनों मान्यवर महाराज की उपस्थिति में इस राजसभा में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसे विचार जिससे आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होगी। अब मैं दोनों मान्यवर से विनती करता हूं कि वो किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करें। आप आयु में मुझसे छोटे हैं, अतः विषय चुनने का अवसर भी मैं आप ही को देता हूं। कहिए, किस विषय पर चर्चा करनी है? प्रणाम सौंदंड, क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है? यदि आप चाहें
तो वेदों के उदाहरण भी दे सकते हैं। वेद पाठ तो सौंदंड का प्रमुख विषय है। वेद की गहन गुत्थियों को सुलझाने में आप महारथी हैं। इक्षु गौतम, पूर्ण ब्राह्मण बनने के 5 लक्षण हैं। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण, 7 पुष्टों से रक्त की शुद्धता, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। इन 5 गुणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए और इनमें से किसी भी गुण के अभाव में क्या वो सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने की प्रतिभा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं। क्षमा कीजिएगा, परंतु सुंदत्त जी उचित उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। आदरणीय सभागण, यदि आप सौंदर्य में आस्था रखते हैं तो कृपया कर शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात कहने दें। यदि आप उनमें आस्था नहीं रखते हैं तो आप में से जो चाहे इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगक बैठा हुआ है। अंगक रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्खु गौतम के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है। वेद पाठ का ज्ञानी है, ये 3 गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगक मदिरापान करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सदकर्म और ज्ञान 2 नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सदकर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सोंदन, आप हमारी आशा पे खड़े उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोनदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सोनदंडे आपने, सत्कर्म और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? करुणा निदान, इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं।
परम पुरुष, आप ही बताएं, सदकर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्ममुक्ति के तीन चरण, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आप आपकी शरण में ले ले, मुझे इस संघ की शरण में ले ले। परम पुरुष, शाक्य मुनि बुद्ध की। रुक जाओ, कौन हो तुम? इस तरह से राजसभा में आने का अर्थ समझती हो? आने के लिए विवश थी मैं। इस भरी सभा में बुद्ध से कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ। तुमको जो कुछ भी कहना है बुद्ध के संग में जाकर पूछ सकती हो। चलिए यहां से। कुलगुरु, पूछने दीजिए इसे, अगर बुद्ध को कोई आपत्ति ना हो। क्या पूछना चाहती हो तुम? मुनि गौतम, आप धर्म का बहुत उपदेश देते, आपका मान सम्मान भी बहुत है, किंतु आपको मुजबला की कोई चिंता नहीं? जिसे आपने गर्भवती बनाया है, मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है, क्या आप इसका उत्तरदायित्व नहीं लेंगे? ए, मेरी लज्ज स्त्री, इस तरह का लांछन लगाते हुए तुझे लाज नहीं आई? जानती नहीं, बुद्ध वासनाओं से परे है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम वासना के सामने घुटने टेक देते हैं। तू जानती नहीं कि तूने किस पे दोषारोपण किया है? पुत्री, केवल दो ही लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य, और वो है तुम और मैं। कांग्रेस से महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे पकड़वाएं, इसके मुंह से सच उगलवाएं कि किसका पाप ये बुद्ध के गले बांधना चाहती है। हमारे बुद्ध पे ये झूठा लांछन लगाया, अब तेरे मुंह से ये सच्चाई उगलवाएंगे कि किसके कहने पे तूने ये काम किया है। पूछो, होगा पकड़ लो इसे। महाराज, कृपया कर इसे जीवन दान दें, इसके मन में पश्चाताप है।
मैंने इसे क्षमा किया। आप बुद्ध हैं, महान आत्मा, पर इसने मगध के माननीय अतिथि का अपमान किया है। मुझे राजधर्म का पालन करना होगा। मेरा अंदेशा सही था। ये इस तरह का छल केवल कुमार देवता ही कर सकता। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं होता। जब तुम क्रोधित होते हो तो मति मारी जाती है तुम्हारी। अब देखो, उस दिन क्रोधित हो तुमने हमारी मैत्री को ठुकराया था, किंतु आज इसे बंदी बना हमने अपनी मैत्री को निभाया है। स्त्री को इस तरह कारावास में जीवित रखने का कारण? हमारा करुणा से भरा हृदय कुमार देवता, इसे बंदी न बनाते तो ये बुद्ध के चरणों में गिर इस कुकर्म के लिए उकसाने वाले का नाम बता देती। तुम्हें संघ से बाहर फेंक दिया जाता और फिर कुमार देवता तुम घर के रहते न काट के। अजातशत्रु, तुम बुद्ध को मारने के बारे में कोई योजना बताने वाले थे। अब करीना बुद्धिमानों वाली बात, अब आए ना सही मार्ग पर। मित्र, मेरा एक कार्य कर दो, इस स्त्री को मुक्त कर दो। सही समय और सही अवसर देखे बिना अजात शत्रु कभी कुछ नहीं करता, और अब तो अजात शत्रु के हाथ में ये दो धारी तलवार आई है। इसका कैसे और कब उपयोग करना है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। आत्ममुक्ति के तीन चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है, ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्ममुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं।